प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की एक ऐसी स्तुति के बारे में जिसका पाठ करने से स्वास्थ्य की किसी भी समस्या से आपको निजात मिल सकती है, किसी भी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। क्या है वो पाठ और कैसे करेंगे, उसके नियम क्या हैं, ये जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात दिलाने में हनुमान जी की उपासना कैसे लाभकारी है। देखिए, हनुमान जी भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक हैं। ये सरल भक्ति से और प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इन्होंने ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए इनको लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा जाता है। हनुमान जी के विशेष मंत्र और स्तुतियों के पाठ से स्वास्थ्य का लाभ अवश्य हो सकता है, और इनमें भी अगर विशेष तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी में सुधार हो सकता है। यानी अगर आप हनुमान बाहुक का पाठ करें विशेष तरीके से, विशेष नियमों से, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक आखिर है क्या और हनुमान बाहुक की महिमा क्या है। देखिए, हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी हुई एक स्तुति है। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है, अचूक है। खास तौर से दर्द के मामले में हनुमान बाहुक के पाठ से जल्दी लाभ होता है। अगर रोग का कारण समझ में नहीं आ रही हो कि बीमारी किस वजह से हो रही हो, तो हनुमान बाहुक ऐसी स्थिति में भी रोग का नाश कर देता है। तो हनुमान बाहुक का पाठ करके आप कैसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। खास तौर से अगर दर्द की समस्या है तो उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। अब ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे कैसे, इसका तरीका क्या है। हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा के चित्र की या मूर्ति की स्थापना करें, साथ में भगवान राम की स्थापना भी जरूर करें। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और एक पात्र में, लोटे में या साफ कटोरी गिलास में जल भर करके रखिए। पहले भगवान राम की स्तुति करिए, फिर हनुमान जी का ध्यान करिए। अब हनुमान बाहुक का पाठ करिए और पाठ करने के 5 मिनट बाद जो पानी आपने सामने रखा था, जल रखा था, वो जल रोगी को पिला दीजिएगा। बाकी बचा हुआ जल शरीर के रोग वाले हिस्से पे लगाइएगा। यानी शरीर में जहां दर्द होता हो या शरीर में जहां बीमारी होती हो वहां पर जल लगाइए और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। ये प्रयोग अगर आप लंबे समय तक करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए और प्रार्थना करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, दिन भर आपका बेहतर तरीके से बीतेगा। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।